दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट लेके आया दूसरा पार्ट, क्यों तो दाना खत्म हो गया तो इसके लिए पार्ट टू बनाना पड़ा। तो फिर लेके आने के लिए गए हम, दाना फिर डालेंगे तो कबूतर गए नहीं तो दोबारा फिर वापस आ गए, तो हम वापस आ रहे हैं लेके। तो आप वीडियो पे बने रहिए एंड तक और लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और बेल आइकन को दबाओ कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो पे। रोज यही टाइम यही समय में हम आते हैं, तो आप शेयर करना लाइक करना और थोड़ा सपोर्ट कीजिए आपका भाई को कि हम आपको और अच्छी तरह वीडियो बना के और इनकी और सेवा कर सके। तो आप वीडियो पे बने रहना और लाइक और शेयर करना और सपोर्ट करना दोस्तों प्लीज़। देखिए ये तो बेजुबान पक्षी हैं, ये तो समझते नहीं हैं, लेकिन प्यार करने में सबसे आगे हैं। तो दोस्तों तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करना और प्यार थोड़ा सपोर्ट करो दोस्तों प्लीज़। और आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो इनको हेल्प करना है। तो आइए दाना लेके आ रहे हैं, अभी गया है तो अभी लेके आएगा, आ रहा है लेके आ रहे हैं। तो देखिए जैसे लेके आ गए देखो सारे आ गए वापस, देखो कितने सारे कबूतर हैं। वाह भाई कितना खूबसूरत नज़ारा है, आपको ऐसा नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, इतना खूबसूरत। क्योंकि देखो हर जगह में कोई भी डाल सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन रोड के अंदर में इतने सारे कबूतर आते हैं और इनको भी देखभाल करनी पड़ती है। क्योंकि तो पहले एक दो कबूतर आते थे, अभी तो ढेर सारे कबूतर आने शुरू हो गए हैं। देखे नहीं आप, देखिए कम से कम एक साल पहले मैंने वीडियो डाला था तो उसमें कितना कम थे, अभी देखे नहीं कितने सारे कबूतर हैं। तो जैसे आप प्यार करो ऐसे देखो आपके उड़ के नहीं जाएंगे, आपके पास जाके डालोगे तो वहां पे खाएगा, आपको पूरा घेर के रख देगा चारों तरफ। तो इसको कैसे है प्यार, देखिए खाते हैं। तो रोड में इतना ट्रैफिक होने के बाद में भी कभी कभी क्या होता है ना, रोड पे चले जाते हैं तो रोड में कभी इनको देखूं या रोड की तरफ देखूं या दाना लो तो कभी कभी गाड़ी ट्रैफिक स्पीड से आता है तो इन कभी कभी इनके ऊपर चढ़ जाती है तो किसी के भी देहांत भी हो जाता है। फिर भी देखभाल पूरी तरह इनके करते हैं कि कोई हानि ना पहुंचे इनको। तो ये कबूतर में धागा बंधा हुआ है, कोशिश करते हैं इनको पकड़ने की, तो क्योंकि दोनों पैर में बंधा हुआ है। देखो ये देखो नीचे गिर रहा है उठ रहा है, नीचे गिर रहा है उठ रहा है, तो इनको पकड़ने की कोशिश करेगा हम लोग। ये देखो दोनों पैर बंधे हुए इसका, दिख रहा है आपको, जरूर देखना गौर से इनको। दोनों पैर में बंधा हुआ है, कोशिश हम कर रहे हैं इनको पकड़ने की कि इनकी धागों से मुक्ति करें, क्योंकि देखो वो उड़ गया, हाथ में नहीं आया उड़ गया वो। तो वो गुम्प रहता है ना पूरा गुच्छा बना के, तभी उसको पकड़ना है, अलग में खाए तो नहीं पकड़ पाएगा। गाड़ी इसके लिए रखा है इनके ऊपर कि दाना वहां पे आएगा तो वहां पकड़ सकते हैं, नीचे को आप कभी भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि उड़ जाते हैं। तो हमारे हाथों में हम ऐसे झुकते हैं तो उड़ के चले जाते हैं। इसके लिए गाड़ी के ऊपर दाना डालते हैं, उनको धागा बंधा हुआ है उनको से मुक्त करते हैं कि भाई इनका कई 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 कबूतर को पैर इतना सूजा हुआ है कि धागा बंधा हुआ, तो जैसे धागा बंध जाता है तो क्या होता है ना वो खून सर्कुलेशन नहीं होता है तो वहां पे कट जाता है पैर। तो इसके लिए धागा बंधा हुआ रहता था, उनको रिलीज भी करते हैं
और धागा बंधा हुआ रहता तो भी उनको भी मुक्त भी करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि कोई धागा बंधा हुआ रहता तो वहाँ पे धागा खुला हुआ खोलना है वही रहता है, लेकिन कोई कोई हाथ में आता है, कोई कोई नहीं आता है। तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज। आपसे विनती करके, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वीडियो पूरा देखिए एंड तक, कि आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। कि आपका जो प्यार मिलेगा उनसे आपके, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। क्योंकि आप सारे मिलके, आप जितने भाई लोग सभी देखते हैं तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। जिनको दाना डालते हैं तो आपको इतनी खुशी मिलती है, आप इतना भी देखते हैं मेरा वीडियो तो मेरे को इतनी खुशी मिलती है। तो ये भाई साहब गांव गए थे तो अभी कल आए हैं, तो मेरे को देखे तो वे भी लेके आ गए और इनको दाना डाले। देखो ऐसा रोड में चले जाते हैं तो इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी ऐसा तो उनको, ये तो जो बेजुबान है, ऐसे नहीं कि वहां पे जाके, लेकिन कोई कोई ऐसा घटना घट जाती है, सुरक्षा करने भी हमारी जिम्मेदारी होती है। कोई छोरे लड़के लोग आए हैं देखो पकड़ने के लिए, तो वो पकड़ने के लिए आए हैं। देखो ये दो छोरे, ये दो लड़के लोग फिर से आए हैं। इतने गंदे लड़के यहाँ के लोग हैं कि इनको पकड़ के मार के खा जाते हैं। तो इसके लिए जब तक दाना खत्म होने के बाद में इनको छुट्टी करके वापस उनकी जगह पे भेज देते हैं, नहीं तो ये लोग पकड़ के कहीं बेच देते हैं, कहीं खा जाते हैं। अरे बेजुबान, इनको क्यों पक्षियों को खाते हो यार। तो कोई भी वीडियो देखता है तो प्लीज पक्षियों की हेल्प करो, और कहीं भी है तो उनकी सुरक्षा करो। सुरक्षा जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों। तो आप भी कि जहाँ आपको मिलते हैं तो इनकी सुरक्षा करो, ये रहेंगे तो वातावरण भी बने रहेगा, सब कुछ रहेगा। यहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ कबूतर आएंगे हमारे को बीमारी फैल जाएगी। देखो रोड में सारे से रोड में चले गए, देखो देखो देखो, यही होता है दोस्तों रोड में। तो इसके लिए सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो पक्षी है, वायु है, पेड़ है, तो इनकी सुरक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो प्लीज दोस्तों, जो इन ये रहेंगे तो आप कुछ नहीं मांगते, दाना खाएंगे, अपनी जगह पे जाके बैठ जाएंगे। देखो उड़ उड़ के आते हैं, कितनी खुशी मिलती है। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तब तक ये रहेंगे, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, ये जाएंगे नहीं। तो अब इसको उड़ाएंगे पूरा, देखो इसको उड़ा के हम लोग जाएंगे, क्योंकि देखो इधर से उधर, उधर से इधर आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पे एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो अभी दाना खत्म हो गया, फिर कल मिलेंगे यही टाइम यही समय। तो वीडियो लाइक जरूर करना दोस्तों। तो जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं फिर कल यही टाइम यही समय। तो आज का दाना समाप्त हो गया, यहीं पे खत्म करते हैं।
अभी तक भी थोड़े थोड़े कबूतर थे, इसको उड़ाने के जाना पड़ा। क्यों कि कोई कोई लड़के लोग ऐसे आते पकड़ के लेके चले जाते, तो हमारे कितना तकलीफ होती है, इतना दुख होता है। जो पालन पोषण करते हैं ना, इनको बहुत तकलीफ होता है। दूसरे को नहीं होता, लेकिन हमारे मेरे को होती है, क्योंकि इन कम से कम मैं 1.5 साल से इनकी सेवा कर रहा हूँ। लोग गाली भी बहुत देते हैं कि रोड में क्यों खिला रहे हो, इधर क्यों डाल रहे हो, उधर क्यों डाल रहे हो। इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि खाना खिलाओ, टाइम पे वापस भेज देते हैं इनको। इसके लिए तो टाटा बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम। तो यहीं समाप्त करते हैं आज का वीडियो, तो चलो चलते हैं।